हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनुप्रिया। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ स्किन हाइड्रेटिंग एंड क्लिंजिंग टोनर। इस टोनर को लगाने के बाद आपकी जो स्किन होगी वो हाइड्रेट भी होगी एंड ये आपकी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन भी करेगा। सो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है लेमन, लेमन का जूस निकाल लिया है क्योंकि लेमन जो है हमारे घर पर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो मैंने ये ले लिया है। लेमन जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है एंड ये हमारी स्किन के डेड सेल्स को निकालता है, रिमूव करता है एंड डार्क सर्कल्स को भी हटाता है, काले धब्बों को भी हटाता है। देन अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। उसके लिए मैंने यूज़ किया पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप चाहे तो कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी एक नेचुरली ग्लो देता है हमारी स्किन को, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल को हम थोड़ा सा ले लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ले लेंगे एंड देन इसे हम इस नींबू के रस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमें इसे धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करना है। इसमें हमने लेमन यूज़ किया है तो ये जो एलोवेरा जेल है ये दूध की तरह थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फटने लगेगा। सो हमें तब तक इसे मिक्स करते रहना है जब तक ये पूरा इस तरीके से फट ना जाए एंड देन हमें इसे एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गाइस, एलोवेरा जेल है वो बहुत ही नेचुरली ग्लो देता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है इस टोनर में। एंड अब हम इसे एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे स्प्रे बोतल में। स्प्रे बोतल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, सो आप ये यूज़ कर सकते हो। इस टोनर पर लगाने के बाद आपका जो स्किन है वो हाइड्रेट भी होगा और साथ ही साथ आपको पसीना भी नहीं आएगा। जैसे समर में बहुत ही पसीने की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होगी। मैंने ये गुड वाइब्स की स्प्रे बोतल ली है, आप चाहे तो कोई सी भी मार्केट से खरीद सकते हो। सो गाइस, अब जो ये टोनर है मैं इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। आप चाहे तो अपनी बॉडी पे भी स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि इसे लगाने के बाद आपको पसीना बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। सो गाइस, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। ऐसे यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।